बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुअज़्ज़म अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरल लाइन हाउस। तो कोरल लाइन हाउस में आज हम ये वाला लोगो बनाएंगे जो आप देख रहे हैं आर का, तो इसी के ऊपर हम पेन टूल का अप्लाई करेंगे और कॉपी करके इसी को क्रिएट करेंगे लोगो में। सही हो गया जी। तो शुरू करने से पहले आपने पर दुरुशरी पढ़ लेना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अगर आप चाहते हैं आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में आपको कामयाबी मिले, तो फिर आपने दुरूद शरीफ नहीं छोड़ना और हाल में दुरूद शरीफ पढ़ना है, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी मिलेगी और एक जहाँ में नहीं दोनों जहाँ में मिलेगी, या दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक हो गया जी। तो बिस्मिल्लाह करके हम करते हैं स्टार्ट जी, क्योंकि हमारे लैपटॉप की बैटरी थोड़ी लो है, तो उसके अंदर अंदर हम ये काम कलम ख़त्म कर देंगे। तो ये सिंपली है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से हमने लेना है पेन टू, यहाँ पर छोड़ा और उसके बाद यहाँ से रिलीज़ किया, उसके बाद यहाँ से रिलीज़ किया, उसके बाद यहाँ पे रिलीज़ किया और उसके बाद हम जाएंगे फिर इसके साथ एज कर देंगे इस तरह से, और इंटर का बटन दबाएंगे। यहाँ पे हमने उसका राइट बटन दबा के ये टू कर्व कर देंगे। ठीक हो गई। और इसको इसी तरह राउंड में कर देंगे जिस तरह से वो है, और यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, ये हैंडल आपका शो हो जाएगा। ये सेम आपने उसी तरह अप्लाई करना उसको जिस तरह आपका आएगा जी। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा ये चीज़। ठीक, थोड़ा सा इस तरह से जाएंगे। ठीक हो गया जी। और यहाँ से सेम सेलेक्ट करना राइट बटन, एड पॉइंट करना सेलेक्ट, लेफ्ट राइट वाले बटन से इसको अप्लाई करो और थोड़ा सा हम इसको अंदर भी तरह लेंगे इस तरह से। इसी तरह यहाँ पे राइट बटन ऐड क्लिक ऐड किया और इसी तरह क्लिक और माउस का राइट लेफ्ट वाले बटन से इसका काम हो जाएगा। ओके, इसको डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा भींगा हो गया, सीधा करेंगे इसको, डबल क्लिक माउस का राइट बटन और ऐड पॉइंट थोड़ा सा अंदर की तरफ इसी तरह। और यहाँ से आपने पकड़ना पॉइंट है, यहाँ से दबाना, हैंडल आपका आ जाएगा, फिर आपका ये काम है हैंडल का, ये बिल्कुल स्मूथली जा रहा है। अब यहाँ से हम पकड़ेंगे, ये हमारा हैंडल आ गया, क्लिक किया लेफ्ट राइट वाला बटन कीबोर्ड का, इसको क्लिक किया और लेफ्ट राइट वाला बटन कीबोर्ड का, उसके साथ हमने इसका काम कर दिया तमाम। ये आप देख सकते हैं प्रॉपरली इसका काम हो गया तमाम। दिस इज़ अ ओके दी रिपोर्ट। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा काम हो गया तमाम, जो मेन चीज़ थी हमारा हमको चाहिए थी वो हमारी क्रिएट हो गई। तो ये नीचे आपको अगर ये लाइन भी चाहिए तो मुश्किल नहीं, आप इसी तरह इसको रेक्टेंगल से इस तरह ड्रा कर लें। ये हमने ड्रा किया, उसके बाद फिर हमने यहाँ से एक लाइन ड्रा की ये चीज़, और फिर हमने यहाँ से एक लाइन ड्रा की ये चीज़, और फिर हमने यहाँ से एक लाइन ड्रा किया कुछ यहाँ से। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से फिर आप रेक्टेंगल ले लें, और तो ये जितना आपका ये बॉक्स है सेम सेम आप यहाँ से ऐसे बॉक्स क्रिएट कर लें, ये इस तरह से शेप टूल आप यहाँ से ले लें और इसी को सेम उसी तरह अंदर की तरफ आप कर लें इस तरह से वो है, तो ये सेम हो गया। तो बैटरी भी लो का ऑप्शन दे रही है, तो हम जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं ये वाला, और नीचे वाला हम सेलेक्ट करेंगे उसको डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा जो प्रोसीजर है तकरीबन कंप्लीट हो गया, इसमें 10 मिनट अभी बाकी है। ठीक हो गया जी। तो इसमें आप कलर देंगे, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें देते हैं ग्रीन कलर, शीट पिक टूल लिया, यहाँ से हम लेंगे स्मार्ट फिल टूल, यहाँ से कलर देंगे, ये कलर दिया और इनमें से भी हम कलर दे देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक हो गया जी। ये हमारा कलर दे लिया। ठीक हो गया। तो इसको हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे, आउटलाइन हमें नहीं चाहिए वो हम कर देंगे नॉन। इसी तरह इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसकी भी आउटलाइन नहीं चाहिए, इसको भी हम कर देंगे नॉन। सिलेक्ट किया, आउटलाइन को सिलेक्ट किया, ये नहीं जा रही थी यहाँ से करके आउटलाइन का अलग से कट कर लें और इसको हम उसी जगह पर कर लेंगे। ये काम हो गया तमाम। इसको हम सेम सीटा ग्रीन कलर दे देते हैं। ठीक। और इसी तरह इसको हम शेप
कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से, ब्लैक देना, ब्लैक देना चाहेंगे दूसरा देंगे, दूसरा दे दें आपकी ठीक है भाई, थोड़ा देखेंगे। हाँ इसके बीच में यार वो गैप था बोल रहे हैं, राइट बटन क्लिक डिलीट यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिलीट करें, ऑन करें और लोड और लोड गड़बड़ हो गई थी और अंदर का सिलेक्ट ही नहीं किया परंतु इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करो यहाँ पे, यहाँ पे और फिर यहाँ फिर यहाँ से आपने एज कर देना यहाँ पे और यहाँ पे शेप टू लेना, शेप टू लेने के बाद इसको यहाँ से मैं उसका राइट बटन दबा के टू कर्व कर देना नीचे की तरफ कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से, उसके बाद कुछ इस तरह से ये ठीक हो गया नहीं, तो यहाँ से हमारा काम हो गया तमाम जी। ये वाला मसल इसको डिलीट कर लिया अंडू, ये हम करेंगे डिलीट, तो ये हमारा काम हो गया। अब हम लेंगे स्मार्ट फिल टू, अब हम इसमें कलर दे सकते हैं अलग अलग से, इसमें भी इसमें भी इस तरह से ठीक हो गई, ये हमने कलर दे दिए क्या ठीक इस तरीके से। तो बैटरी थोड़ा लो का ऑप्शन दे रही है साथ, थोड़ा चार्ज में भी पता लगाना पड़ेगा। ये